जय हिंद। आज के इस पॉलिटी के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान का इतिहास, या इसको आप भारतीय संविधान का विकास भी कह सकते हैं। जो संविधान आज हम देखते हैं, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद हम गणतंत्र बने, रिपब्लिक बने, इस संविधान के विकास में किन किन चीज़ों का योगदान है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारा संविधान है, ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो जाहिर सी बात है, इसके जो सोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा होंगे, और इन सोर्सेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जो हमारे रूलर थे, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे लगभग 200 साल रूल करके गए हैं, और उनके द्वारा समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो जो अधिनियम लाए गए थे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी हमारे संविधान में मौजूद हैं, या कुछ संशोधन के साथ मौजूद हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सिस्टमेटिकली कौन कौन से अधिनियम आए और किस तरीके से उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि जब अंग्रेज़ अपने यहाँ आए थे, कब, 1600 ईस्वी में, तो वो एक व्यापारी बनकर आए थे। उनका एक ही काम था यहाँ पर व्यापार करना। जैसे आपको पता होगा, 1498 में वास्को डी गामा आया था भारत में, कालीकट में, और उसने फिर मसालों का व्यापार करना शुरू किया। उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, फिर उससे प्रोत्साहित होकर बहुत सारे लोग आए, फिर धीरे धीरे उनकी कॉलोनियाँ बसनी शुरू हो गई। पहले वो व्यापारी थे, फिर धीरे धीरे उनने क्या करना शुरू किया, यहाँ पर राजस्व वसूलने का काम करना भी शुरू शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा एक समय आता है जब वो यहाँ के क्या बन जाते हैं, शासक बन बैठते हैं। तो देखते हैं और अच्छे से इसको। तो सबसे पहले ये कब आए थे, 1600 ईस्वी में, क्यों आए थे, व्यापार करने। और इनका जो रिमार्केबल उपलब्धि था वो था 1765 में। 1765 में इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन राज्यों का क्या हो जाता है, रिवेन्यू राइट्स मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर कर वसूलने का अधिकार इनको, टैक्स वसूलने का अधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। तो ये शुरुआत थी, और ये लोग अपना काम करते रहते हैं। देखो, एक और चीज़ आप यहीं पर समझ लो, ये जो ब्रिटिशर्स का शासन है, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट है वो है 1858, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले, इसको हम बोलते हैं कंपनी का शासन। और एक पार्ट है इसके बाद का, यहाँ से लेकर 1947 तक, जब तक कि अंग्रेज़ अपने यहाँ थे, तो इसको हम बोलते हैं ताज का शासन। इसको क्या बोलते हैं, ताज का, या क्राउन का, या फिर ब्रिटिश, या फिर विक्टोरिया का शासन। तो कुल मिला के दो पार्ट में शासन है, एक है कब, एक क्या है, कंपनी का शासन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरा क्या है, ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1857 में एक विद्रोह हो गया था, जिसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक द्वारा कुछ कुछ क्या दो अंग्रेज ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई थी। फिर उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, जिसके बाद पूरे भारत में, बैरकपुर से लेकर पूरे भारत में क्या होता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में नीमच से सैनिक विद्रोह शुरू हो गया था। तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई थी। इन घटनाओं को देखते हुए एक साल बाद, मतलब 1858 से, जो ब्रिटिश क्राउन है उसने अपने हाथ में भारत का प्रशासन ले लिया था 1858 के ऑनवर्ड्स, ठीक है। और इसका जो शासन था ब्रिटिश क्राउन का, वो कब तक चालू, मतलब कब तक लागू रहा, तो 15 अगस्त 1947 तक, जब तक कि हमारा खुद का लागू नहीं हो गया, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 तक। तो 1947 से लेकर 1950, 1950 के बीच में हमारे संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, उसको भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो बात करते हैं संविधान के बारे में। और अगर क्वेश्चन आ जाता है प्री में या फिर ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पहले संविधान बनाने का सुझाव किसके मन में आया था, तो वो नाम है M.N. Roy। 1934 में सबसे पहले M.N. Roy ने संविधान बनाने का सुझाव दिया था, और इसे अमल में लाने के लिए सबसे पहले 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। फिर बहुत सारी बातें होती हैं, और अल्टीमेटली 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो जाता है, और भारत एक गणतंत्र राज्य या गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है। वैसे जो अपना संविधान था, ये दिसंबर 1949 में ही रेडी हो गया था। कब तैयार हो गया था, दिसंबर 1949 में, लेकिन इसको हमने होल्ड किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसका भी रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जब 1929 में डिसाइड हुआ था लाहौर अधिवेशन में कि हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो उसी को मेमोरेट करने के लिए हमने होल्ड किया और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया था।
तो अब शुरू अपने काम की बात पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भारत का संविधान है, सॉरी, जो संविधान का विकास, इसको दो पार्ट में हम देखेंगे। एक है कंपनी का शासन, तो कंपनी के शासन में क्या क्या हुआ ये अपने को देखना है। तो कंपनी का शासन, इसका मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का शासन का मतलब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी के शासन का अर्थ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी जो बाद में शासक बन गई, उनका शासन। तो कंपनी के शासन का मतलब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अब देखो, सबसे पहले इसके द्वारा एक एक्ट लाया गया था 1773 में, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773, तो देखते हैं इस एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जो हमारे संविधान को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। इसका नाम बदल कर दिया गवर्नर जनरल, और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी काउंसिल या परिषद भी बना दिया। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, और आपको पता होगा पहले तीन तीन प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ठीक है ना। कौन कौन से प्रेसिडेंसी, बंगाल, उसके बाद मद्रास और मुंबई। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, जो बाकी के दो प्रेसिडेंसी हैं, एक मद्रास और दूसरा मुंबई या बॉम्बे, पहले बोलते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो इन दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब बात करते हैं और क्या हुआ था इस अधिनियम के द्वारा। तो इसी अधिनियम के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था, 1774 में कलकत्ता में। इसकी भी अथॉरिटी क्या थी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके द्वारा कलकत्ता में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था इनका, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। इसके अलावा इसके तीन और अन्य न्यायाधीश थे, उनका नाम आप याद रख सकते हो HCL से। HCL कंप्यूटर की कंपनी है या हाइड्रोक्लोरिक एम्ब, इससे आप याद रख सकते हो। एक का नाम था हाइड, जो बाकी के तीन में एक का नाम था हाइड, दूसरे का नाम था चेम्बर और तीसरे का नाम था लिमेस्टर, और तीसरे का नाम था लिमेस्टर। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, एलिजा इम्पे, उसके बाद हाइड, चेम्बर और लिमेस्टर। अब बात करते हैं अगला अधिनियम कौन सा लाया गया था कंपनी के द्वारा। अगला जो अधिनियम है उसका नाम है 1781 का, 1781 का समाधान अधिनियम, या इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखो, इसके नाम में ही सेटलमेंट है, तो इसको लाया गया था क्यों, क्योंकि जो भी कमियां रह गई हैं उसको सेटल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। तो इसमें कुछ खास नहीं हुआ था, हालांकि ये भी सक्सेस नहीं रहा। तो इसी का अगला भाग था 1784 का, तो उसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इसके बारे में बस दो बातें याद रख लेना, इसके द्वारा क्या हो गया था, जो कलकत्ता का सरकार है इसको कानून बनाने का अधिकार मिल गया था दो राज्यों के ऊपर, कौन कौन सा, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों को भी पता था कि जो इंडियंस हैं ये काफ़ी सेंसेटिव्स होते हैं और ये लोग थोड़े से अत्याचार भी करते थे, तो ये स्पेशली बताया गया कि जो भी कानून आप बना रहे हो बिहार और उड़ीसा के लिए, तो आप उस समय भारतीय रीति रिवाजों का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, जिसका नाम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये काफ़ी रिमार्केबल था, देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें दो बड़ी बातें हुई थी आपको जो याद रखना है, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको निदेशक मंडल खत्म हो गया, तो क्या समाप्त हो गया, भारत में ड्यूअल गवर्नेंस भी समाप्त हो गया, द्वैत प्रणाली भी समाप्त हो गई। अब क्या करेंगे, अपना कमांड कंट्रोल बेटर करने के लिए ये एक नए पद का सृजन करेंगे, कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसका नाम था भारत सचिव, भारत सचिव, या इसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता था भारत सचिव को। और जो पहले भारत सचिव थे उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली, इसको भी आप याद रख लेना। अब इसके पावर्स की बात करते हैं, जो भारत सचिव जो नया पद था इसके पावर्स क्या हैं, तो इनके पावर्स की बात करें तो भारत प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण, नियंत्रण शक्ति किसके पास था, भारत सचिव के पास। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होता था। तो जो भारत सचिव थे ये भारत के प्रशासन की संपूर्ण शक्ति अपने पास रखते थे, और ये होते कौन थे, कैबिनेट के मेंबर, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर,
और जो भी हम भी पढ़ते हैं ना कि मंत्रिमंडल जो है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी जो मंत्री होता है मतलब कोई भी एक काम करेगा तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को प्रभाव पड़ता है। तो याद रख लेना, जो ब्रिटिश सदस्य थे जो भारत सचिव बनकर आए थे वो अपने संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी थे। तो बात करते हैं ये जो नया पद बना है भारत सचिव, इसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। कुल मिलाकर ये भारत प्रशासन की संपूर्ण शक्तियाँ अपने पास रखते थे, और साथ ही साथ ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कैबिनेट था उसके सदस्य होते थे और अपने संसद के प्रति उत्तरदायी भी होते थे। और आगे बात करते हैं, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सदस्यों का परिषद भी बनाया गया था। भारत सचिव की सहायता के लिए क्या बना था, एक काउंसिल बना, और इस काउंसिल में कितने सदस्य थे, टोटल 15, टोटल 15 सदस्य इस काउंसिल में थे। इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखो इसके साथ क्या क्या होता है। अब इस अधिनियम में सबसे अच्छी बात ये थी कि इसी अधिनियम के द्वारा जो पहली बार इंडियंस को कानून बनाने के का भी जो भी उस समय मैकेनिज्म था उसमें शामिल करने की परंपरा शुरू हुई। तो पहली बार 1861 में, कब, 1861 के अधिनियम के द्वारा इंडियंस को लॉ मेकिंग मैकेनिज्म में इंक्लूड करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, एक थे बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराज, और तीसरे एक महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े दिग्गज व्यक्ति थे सर दिनकर राव, इन तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया, नॉमिनेट किया। अब आगे देखते हैं, इसी अधिनियम के द्वारा डिपार्टमेंटल सिस्टम जो विभागीय प्रणाली है ये भी शुरू हुई थी। ठीक है, अब एक और बहुत ही बड़ी बात होती है और वो ये है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना, भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना। सबसे पहले एक अधिनियम आता है इसी अधिनियम के तहत जिसका नाम था उच्च न्यायालय अधिनियम या हाई कोर्ट एक्ट 1861, और इसके तहत 3 हाई कोर्ट्स बने भारत में। आपको याद होगा जो सुप्रीम कोर्ट है पहली बार कब बना था, 1774 में, लेकिन हाई कोर्ट कब बन रहा है, 1861 अधिनियम के द्वारा, और एक साल बाद ये बनेगा 1862 में बनेगा, तीन तीन हाई कोर्ट तीनों प्रेसिडेंसियों में। अब देखो कौन कौन से, एक तो था कलकत्ता में, एक हाई कोर्ट कहाँ बना, कलकत्ता में, दूसरा कहाँ बना, मुंबई में या बॉम्बे बोलते थे उस समय, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट्स बने, उच्च न्यायालय बने। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और जो आजकल हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 123, 123 जिसको हम बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब भी संसद नहीं चल पा रहा होता है और कोई कानून बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है वो क्या लाते हैं, अध्यादेश। तो इसका भी जो प्रावधान है ये 1861 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। आप यहाँ पढ़ सकते हो कि इसी अधिनियम के द्वारा आपातकाल में या कुल मिलाकर जब संसद ना चल रहा हो तो क्या क्या लाया जा सकता है, अध्यादेश जारी करने का प्रावधान। ठीक है, और अभी के सेम टू सिमिलर पहले भी इसकी जो अवधि होती थी 6 माह की ही होती थी। अठारह सौ 92 के अधिनियम के द्वारा ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और इसी अधिनियम के द्वारा जो बजट था, बजट पर बहस करने की, सवाल पूछने की शक्ति भारतीयों को प्रदान की गई थी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसका नाम है 1909 का अधिनियम, और इसी को बोल देते हैं मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब देखो ये मार्ले और मिंटो कौन थे, जो मार्ले थे ये थे राज्य सचिव, ठीक है, और जो मिंटो थे ये थे वायसराय। तो आप इसको याद रख लेना क्योंकि ये इसका अल्टरनेट नेम है, 1909 का जो अधिनियम है इसी को क्या बोल देते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो जो मार्ले थे ये कौन थे, भारत सचिव, भारत सचिव, और जो मिंटो थे ये कौन थे, वायसराय, ये थे वायसराय। तो इसको भी आप याद रख लोगे अच्छे से। अब देखो इसके द्वारा क्या हो गया था, ये ही मतलब जो है एक ऐसा अधिनियम है जिसके वजह जिसका खमियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है, जो सांप्रदायिक का जो सांप्रदायिकता का जो बीज है ऐसा कहा जाता है कि इसी अधिनियम के द्वारा बोया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो पहली बार मुस्लिमों को, जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उनको सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, ऐसे को बोलते हैं टेक्निकली सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार। ठीक है, तो 1909 में क्या हो गया है, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्शन का राइट दे दिया गया है, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। आगे चल के हम 1919 में देखेंगे जितने भी पंथ थे, जितने भी धर्म थे भारत में, सबको अलग अलग
अधिकार दे दिया गया था चुनाव का, इलेक्शन का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, 1909 में शुरुआत हो गई इसकी, सबसे पहले मुस्लिम को दिया गया और 1919 में सभी धर्मों को दे दिया गया था। तो देख लो इसको, 1909 के अधिनियम में क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया मुस्लिमों को। उसके बाद क्या होता है, जो बजट था, बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या था पहले, क्या था इसके पहले जो अधिकार था बजट पर, उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, उस पर उससे संबंधित कोई भी अलाइड क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते थे। बट यहाँ पर क्या हो गया, जो अलाइड क्वेश्चन होते हैं, संबंधित क्वेश्चन होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये अधिकार दे दिया गया। एक यहाँ पर फैक्चुअल बात है, इसको भी आप याद रख लेना, कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि पहली बार इसी ने इसका प्रयोग किया था। अब अगला अधिनियम जो है, हम उसकी बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। अब देखो इसके द्वारा क्या क्या हुआ है, ये अपन देखते हैं। इसमें है केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। दूसरी बात क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब जो अपर हाउस होता है और जो लोअर हाउस होता है, इसका जो व्यवस्था है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसका गठन कब हुआ था, 1919 के अधिनियम के द्वारा। अब अगली बात क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, प्रांतों में फिर से द्वैत शासन लगाया गया। आपको पता होगा, याद होगा कि सबसे पहले कब, 1784 में द्वैत शासन लगाया गया था, फिर 1858 में इसको ख़त्म कर दिया गया, फिर अगली बार कब लगाया जाता है, 1919 में, ठीक है। तो अब याद रख लेना, 1784 ये वो समय है जब पहली बार द्वैत शासन लगाया गया था, ठीक है। फिर 1858 में जब क्राउन ने हैंड ओवर किया शासन का, ब्रिटिश ताज ने हैंड ओवर किया शासन का, उस समय इसको ख़त्म कर दिया गया। अगेन 1919 में क्या ला दिया गया है, द्वैत शासन। फिर इसको ख़त्म करेंगे कब, 1935 में, आगे हम देखेंगे, इसको 1935 में ख़त्म कर देंगे। तो इसको याद रख लेना, द्वैत शासन पहली बार आया 1784 में, ख़त्म हो गया 58 में, 1858 में, फिर आया 1919 में, फिर ख़त्म हो गया 1935 में। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि जो लॉर्ड मिंटो हैं उसको सांप्रदायिक निर्वाचन का, या सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में उसको जाना जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो दिमाग देने वाले थे, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक, इसको इम्प्लीमेंट करवाया था कौन ने, लियोनस कार्टियस ने। तो इसको भी ना इसका भी नाम याद रख लेना है, ये प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है, लियोनस कार्टियस। अब आगे अपन देखते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि सभी धर्मों को यहाँ पर क्या कर देंगे, सेपरेट इलेक्शन के लिए राइट दे देंगे। ये सब क्यों हो रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत। वो जानते हैं कि अलग अलग इलेक्शन होंगे तो भारत में एकता नहीं रहेगी और हमारा रोजी रोटी, हमारा जो शासन का जो भी व्यवस्था है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, ये उस समय मेजोरिटी में थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। इन सबको क्या कर दिया गया, सेपरेट निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। अब अगला जो एक आयोग आता है 1927 में, साइमन कमीशन या साइमन आयोग के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये भी किस लिए था, संवैधानिक जो भी है, मतलब संविधान की स्थिति वगैरह थी, अच्छे से शासन चल रहा है कि नहीं, क्या क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, इसके लिए इसको इसका गठन हुआ था। तो इसके बारे में देखते हैं अपन। ये सबसे पहली बात जो फैक्चुअल चीज़ पूछा जाता है, साइमन कमीशन कब गठन हुआ, तो 1927 में, ठीक है। और ये क्यों आया था, भारत में संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए। और ये जो इसको चेयर कर रहे थे, सर जॉन साइमन, तो इन्हीं के नाम पर इनका नाम दे दिया गया है, साइमन कमीशन, ठीक है। और इसमें 7 सदस्य थे, इसमें कौन थे, 7 सदस्य थे, और साथों के साथ लॉ एक्सपर्ट थे, लेकिन ये सभी क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, ये सभी थे ब्रिटिशर्स। तो इसका बहिष्कार किया गया, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसका क्या किया गया, बायकट किया गया। और इसकी रिपोर्ट आती है 1930 में, और जब इसने अपनी रिपोर्ट सोची सौंपी, तो कुछ संशोधन के साथ इनकी सिफारिशों को संविधान में शामिल कर लिया गया था। अब अगला जो फैक्ट है, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। यहाँ पे नाम से आप देख सकते हो, सांप्रदायिक पंचाट, मतलब ये कास्ट से ही संबंधित होगा। इंग्लिश में इसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये आया था 1932 में। इसमें क्या हुआ था, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, यूके के, तो उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और इन्होंने क्या कर दिया था, जितने भी कास्ट है इंक्लूडिंग दलित, मैक्सिमम कास्ट तो 1919 में ही उनको राइट मिल गया था इलेक्शन का, ठीक है। अब क्या हो गया,
जो दलित है ये बचा हुआ था। सभी कास्ट में, सभी जातियों में क्या होते हैं, दलित होते हैं। तो सांप्रदायिक पंचाट का जो, जिसको मतलब जो कीवर्ड है जो आप याद रखना है वो है दलित से, ठीक है ना। इसमें क्या कर दिया गया कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे वहाँ के प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यकों को, ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है दलित, इनको मतलब प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या हो गया कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, ये सब तो पहले से ही अलग थे, के साथ साथ दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब गांधी जी जो हरिजन के लिए हमेशा फाइट करते हैं, उनको ये बात हजम नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, वो उस समय थे पुणे के यरवडा जेल में। उस समय वो कहाँ पर थे, डिटेंड थे पुणे की यरवडा जेल में, वहीं पर उन्होंने स्ट्राइक टिल हंगर, हंगर टिल डेथ जो कहते हैं, आमरण अनशन, वो इन्होंने किया था, ठीक है। फिर आते हैं कौन, अपने अम्बेडकर जी। फिर जो दलित लोग हैं, दलितों को सीटों के ऊपर रिजर्वेशन मिल जाता है और गांधी जी मान जाते हैं, और इसी बात को जाना जाता है पूना पैक्ट के द्वारा, पूना पैक्ट के माध्यम से ये जाना जाता है। अब देखो, अगर भारत के शासन, सॉरी भारत के संविधान में अगर सर्वाधिक किसी चीज़ का प्रभाव पड़ा है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का, भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो इसमें कितनी धाराएं थी, इसमें थी 321 धाराएं, और इसमें अनुसूचियां कितनी थी, 10 शेड्यूल था इसमें, 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब आज के समय भी हम जानते हैं कि जो जो वर्तमान का जो हमारा संविधान है उसमें, उसके 7वें अनुसूची में क्या है, उसमें है लिस्टों का वर्णन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है संघवाद सरकार में, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, वो सब चीज़ यहाँ पर यहीं से लिया गया है। आप देख सकते हो कि उस समय का जो संघ सूची था उसमें 59 विषय थे, जो उस समय का राज्य सूची था उसमें कितने, उसमें थे 54 विषय, और जो समवर्ती सूची होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, उसमें 36 विषय थे, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ताकि स्टेट और सेंटर, इनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, इनके बीच टकराव ना हो, सबको अपना अपना उत्तरदायित्व तो और पावर क्लियर हो, तो अच्छे से प्रशासन कर पाएंगे। अब देखो, एक होता है रेसिडुअल पावर। अब कोई मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों ही सब्जेक्ट में से किसी में भी नहीं है, तो ऐसा विषय है जिसके ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई है, और बट वो जो सब्जेक्ट है ये राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची में नहीं है मेंशन्ड, तो उसके ऊपर जब कानून बनेगा उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, या अवशिष्ट सब्जेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है ना। आज के समय, आज के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास है, मतलब कोई ऐसा अनस्पेसिफाइड सब्जेक्ट हो जिसका वर्णन तीनों ही सूचियों में ना हो तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, संसद। तो उस समय ये पावर था वायसराय के पास, उस समय ये पावर किसके पास था, वायसराय के पास। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में भी, यूपीएससी प्री में आ चुका है आपको, ये 2017 के यूपीएससी प्री में आ चुका है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लेना। आज के समय रेसिडुअल पावर किसके पास है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं संसद के पास, और उस समय किसके पास थी, वायसराय के पास। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि याद रखने को कुछ चीज़ें, जैसे कि पहली बार 1784 में क्या आ गया था, पहली बार 1784 में आया था ड्यूअल गवर्नेंस, फिर इसको ख़त्म कर दिया गया 1858 में, ठीक है। फिर दूसरी बार आता है 1919 में, अब इसको ख़त्म कब करेंगे, 1935 में, इसको ख़त्म करेंगे 1935 में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वतंत्रता, प्रांत के ऊपर ही क्या था, ड्यूअल गवर्नेंस, ठीक है, और केंद्रों में द्वैत शासन, और केंद्रों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। अब देखो, प्रांतों में स्वतंत्रता का मतलब है एक तो ताज का शासन है, और एक भारत सचिव या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनका शासन है, ये होता है द्वैत शासन, जो प्रांतों में था इसको ख़त्म कर दिया गया। अब केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत क्या हो गई, जो भारत सचिव थे वो डायरेक्टली शासन करते थे, अब ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंटरफेरेंस रहेगा किसका, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर द्वैत शासन जो प्रांतों में थी ये ख़त्म हो गई, इसको आप याद रख लेना, और केंद्र में शुरू कर दी गई। अब एक और बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो RBI है, जो अभी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी भी स्थापना कब की गई थी, इसी अधिनियम के द्वारा उसकी नींव रखी गई थी, मतलब मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया है, इसका नेशनलाइजेशन किया गया है 1 जनवरी 1950 को, 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो बहुत ज़रूरी है इसको आप याद रख लेना। जो म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, पहले वो भारत का ही पार्ट हुआ करता था, 1935
कि जो का जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब लास्ट जो अधिनियम है हमारा संविधान बनने से पहले तक का, उसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखो इसी अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान और भारत, ठीक है ना, 14 अगस्त को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसी अधिनियम के द्वारा दो डोमिनियन, दो स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो एक एक लाइन यहाँ पर एक फैक्ट है, इसको आप याद रखना। सबसे पहले क्या होता है, 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उस समय कौन थे, क्लीमेंट एटली, इन्होंने कहा कि हम अब जो सत्ता है भारत का, जो प्रशासन है, वो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में हैंड ओवर कर देंगे। कब, 30 जून को। ये डेट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्टेटमेंट आता है फरवरी में कि हम 30 जून को कम्प्लीटली भारत को क्विट कर देंगे और जो भी प्रशासन है वो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये घोषणा होती है, इस घोषणा जैसे ही इस ये वाली घोषणा होती है, तो जो मुस्लिम लीग है इन्होंने क्या किया, इसको इसका विरोध किया और डिमांड की कि हमें डिवाइड कर दो, हमें भारत का विभाजन चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई, फिर क्या आता है, फिर आता है माउंटबेटन। एक माउंटबेटन उस समय कौन थे वायसराय, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ने क्या किया, एक प्लान पेश किया, माउंटबेटन योजना पेश किया, जिसमें ये बहुत ही क्लियर था कि दो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, एक होगा भारत एक होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 जून, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की और इसी को बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ठीक है, और इसी के तहत दो स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र बने थे, भारत और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से भारत आज़ाद हो जाता है और क्या बन जाता है, डोमिनियन राष्ट्र बन जाता है। अब यहाँ से शुरू होगा प्रोसीजर संविधान सभा का, यहाँ से शुरू हो जाता है संविधान सभा का। संविधान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस अपनी शुरू कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रख लेना, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है याद रख लेना। आज के समय जो संघ सूची है इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 97, जो राज्य सूची है इसमें है 59, और जो कंकरेंट लिस्ट है संवर्ती सूची है इसमें है 47। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पर जो होते तो हैं राज्य सरकार के अधीन, ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वहाँ पर केंद्र सरकार भी उस कानून के ऊपर, मतलब उस विषय के ऊपर कानून बना सकती है, तो इसको बोलते हैं संवर्ती सूची। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, थैंक यू।